अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मैं सिंगूर डैम के मालापाड़ के एरिया में आया हूँ। सिंगूर डैम मालापाड़ के एरिया में आया हूँ मैं, ये शमशान घाट के एरिया में। और मैं इस एरिया में आकर देख रहा हूँ कैसा मरल है, देखते हैं कैसा स्पॉट है, ज़बरदस्त स्पॉट है। लेकिन क्या है दोस्तों, स्पॉट तो माशाल्लाह अच्छा है, ये मरल का स्पॉट है, ये मरल और पठान का स्पॉट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हवा बहुत काफ़ी तेज़ चल रहा है, इसलिए मछली मार नहीं खा सकती। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं भर कोशिश करूंगा इस एरिया में मरल एक भी दो भी निकालने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और इस एरिया में क्या है, बड़े साइज मरल ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े हैं इस एरिया में, 5 किलो 8 किलो 10 किलो, किलो से आधी किलो से लेकर 10-12 किलो तक का मरल इस एरिया में। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कैसा शिकार होता है। और रोहू का तो अभी सिंगूर डैम में शिकार नहीं हो रहा है दोस्तों, बहुत कम ही, क्योंकि जाला डाल रहे हैं। क्या है, जाला डाल रहे हैं यहाँ पर बोया लोग, जाला डालने की वजह से मछली मार नहीं खा रही, डर जा रही, डर के बीच अंदर चले जा रही, हवा लहरा से अंदर चले जा रही। और वो क्या है, मेन मकसद क्या है, यहाँ पर जो है जाला डालते हैं, इसके लिए मछली शिकार नहीं हो रही अभी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ मरल निकालने के लिए। देख सकते हैं ये फ्रॉग है, देखिए मैं इसका दुम निकाल दिया हूँ, इसका जो है दुम निकाल दिया हूँ, इसका देख सकते हैं। दुम रहने की वजह से क्या था, दुमिज मारती, दुमिज पकड़ के खींच के चली जाती मच्छी, मुंह में इसको नहीं आती, इसलिए मैं दुम निकाल देता हूँ पहले, फुर्सत दुम निकाल के ही मुंह में पहले ये गली चली जाती। देखता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ एक बार। पानी में उतरना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दूर है और उस एरिया में लग रहा है, मुझे मालूम चल रहा है कि वो एरिया में मरल है। अभी आवाज़ करी, वो एरिया में आवाज़ करी, भूत आवाज़ करी है छोटी मच्छी खाने के लिए। हमारे को लग रहा है वो दूर जाती नहीं जाती, वो देखना है। और थोड़ा सा मैच आगे बढ़ के पानी में मैं कोशिश करता हूँ, वो आगे देख ले सकते, वो एरिया में भूत करी है। गल से निकल गए दोस्तों, ये हमारा देख ले सकते हैं, काली मरल निकल गई है। देखिए कैसे हो गए नजदीक आना, ये गल कैसी मारी, देखिए ये कैसा मारा है, देखिए कैसे लगी। और ये मच्छी झपट यहां से होते मुंह से मार के निकाल दिया, ये काली मरल है। अच्छा है, शानदार, 1 किलो साइज का है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली मरल है, ये पहली मरल जो आवाज करी भूत वो नहीं लगी है, ये दूसरी लगी है। यहाँ पे हो सकता है और बड़ी मरल होगा, वो कोशिश करता हूँ फिर भाई दोस्तों जल्दी, नहीं तो वो निकल जाएंगी। पानी जरा काटता खुजलाता भी पानी है वो मरल को मैं निकालता हूँ इंशाल्लाह, पक्का वो मरल को मैं निकालता हूँ। बड़ी मरल को जब भूट मारी है उससे, जब ये छोटी लग गई तो बड़ी भी इंशाल्लाह जरूर निकालते हैं, पक्का उसको इंशाल्लाह जरूर से जरूर निकालेंगे, उसको कुछ निकालने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह जरूर। देखते रहिए दोस्तों,
मिस हो गया भाई। देख ले सकते दोस्तों कैसा मिंटुक मारी है। देखो जैसा पहली मरल को लगी उसी तरह ये फिर मिंटुक मारी है सर। देखिए तो मैं इंशाल्लाह जरूर इसको निकालेंगे। अभी ठहरो देखते रहिए दोस्तों कैसे निकालता हूँ। धीरे धीरे मिंटू को फिराना है। घास का एरिया है तो घास है ना उसको निकालना मुश्किल है। तो क्या होता है धीरे धीरे घास के ऊपर लेना है, स्पीड में लेना है, धीरे धीरे लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों देख ले सकते हैं मिंटुक अच्छी मूंग ली है, फुल बरल है ये। लेकिन यहाँ पर हवा काफी चलने के कारण से मछलियां ही मार खा रही है, रोहू के लिए भी और मरल के लिए भी। देख ले सकते हैं दोस्तों अच्छा मुंह में ले लिया है मरल पर अच्छा। देख ले सकते हैं अच्छा ले लिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देख ले सकते हैं दो मरल मारा हूँ। ये एक फुल मरल है और एक काली मरल है, देख ले सकते हैं। जरा शाम का वक्त हो गया, जरा बहुत कोशिश करते गया, मैं बहुत कोशिश किया, फिर ट्राई बहुत किया लेकिन नहीं लग पाई। देख ले सकते हैं दोस्तों दो मरल लगी, एक काली मरल एक फुल मरल है। ये देखिए ये फुल मरल है। प्लीज़ आप लोगों को गुजारिश है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाने ना भूलें। आप लोगों यही गुजारिश है।